देखिए, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, करिश्माई नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी का वो ताकत है। आज करिश्मा राय ज्वाइन कर रही हैं और जो करिश्मा होने वाला है बिहार की राजनीति में, जहां से ताबूत में अंतिम कील ठोका जाएगा। झारखंड में बीजेपी हारी, दिल्ली में हारी, अब बिहार की बारी है, तो यहां से शुरुआत होगी और पूरे देश से उखाड़ कर इनको फेंकना है। आरएसएस मुक्त भारत की बात कभी नीतीश कुमार जी करते थे, वो तो फिर आरएसएस युक्त में चले गए गोद में, तो अब तेजस्वी यादव जी के साथ सब लोग आ रहे हैं। देखा है पहली बार जनता का ऐसा प्यार जी। राजद का स्थापना दिवस 5 तारीख को आप लोग मनाने वाले हैं, उसको कैसे मनाएंगे, किस रूप में आप मनाने वाले हैं? महंगाई की मार से पेट्रोल डीजल का दाम रोज सरकार बढ़ा रही है। महंगाई की मार गरीब जनता पर पड़ रहा है, किसान पर पड़ रहा है, तो किसान, गरीब, आम लोग सब परेशान हैं इस महंगाई की मार से। तो 5 जुलाई को 5 किलोमीटर साइकिल चला करके हम लोग इसका, केंद्र सरकार के इस फैसले का भी विरोध होगा और हमारा पार्टी का स्थापना दिवस भी है, उस दिन हम लोग 5 किलोमीटर सब लोग साइकिल चलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योग को लेकर के बहुत ऐसी घोषणाएं की हैं, फिर जनता को गरीब कल्याण योजना के तहत लाभ देने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। चुनाव जब आता है तभी इनको याद आता है, जिस राज्य में चुनाव होता है उसी राज्य से खून का रिश्ता निकालते हैं। पहले लिट्टी चोखा खाया, इसके बाद बिहार के जो जवान शहीद हुए चीन सैनिकों के साथ झड़प में, उनको याद करके बिहार के लोगों के दिल में जगह बनाने का कोशिश किया। फिर उस दिन छठ पर्व की चर्चा की संदेश में, फिर भोजपुरी में ट्वीट किया, मैथिली में ट्वीट किया, अब खून का रिश्ता निकालेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, यही अदा पर अब जनता आपकी उब चुकी है और जनता गुस्से में है। जनता पेट में गरीबों को भूख की आग सता रही है, जिसके घर के नौजवान बेरोजगार हो गए, कोरोना का इस तरह से खतरा बना हुआ है, बिहार में एक कल कारखाना उद्योग धंधे नहीं लगे, बड़ी संख्या में लोग पलायन करना पड़ा, पैदल चलकर गरीब मजदूर आ रहे थे जब दूसरे राज्यों से बिहार 1000-2000 किलोमीटर चल के, और उस समय प्रधानमंत्री जी नहीं कह रहे थे, गरीबों की याद नहीं आ रही थी, उनको डंडे से पीटा जा रहा था, गरीबों को, मजदूरों को, एक बूढ़े बीमार पिता को बेटी साइकिल से ला रही थी हरियाणा से, कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? गरीबों को, मजदूरों को, श्रमवीर भाइयों को बिहार सरकार ने पत्र निकाल कर कह दिया, ये गुंडा है, अपराधी है, इसको हम रोजगार इनको नहीं देंगे। उस समय कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? ये तो तेजस्वी यादव जी के दबाव का नतीजा है कि आज हमारे श्रमवीर भाइयों को, मजदूरों को घर वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ। नीतीश कुमार जी ने, बिहार सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए थे जी। मेरा सवाल है कि जिस तरह से बीजेपी वर्चुअल रैली कर रही है, जेडीयू भी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों से जुड़ रही है, आरजेडी सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव है? देखिए, सोशल मीडिया में भी हम इनसे आगे हैं। अभी आपने देख लिया कि राष्ट्रीय जनता दल ट्विटर पर जो हमारा फॉलोअर है, जेडीयू बीजेपी से डबल है, ज़्यादा है। सोशल मीडिया, डिजिटल में भी हम इनसे आगे हैं और एक्चुअल में भी आगे रहेंगे। विधानसभा का चुनाव आएगा तब इनको हम एक्चुअल में भी पछाड़ेंगे, अभी तो सोशल मीडिया में पछाड़े हैं। मत पड़े कोई चक्कर में, नहीं है कोई टक्कर में जी। चिराग पासवान लगातार बयान आप सुन रहे हैं कि बिहार सरकार के खिलाफ ही वो बयान दे रहे हैं, और क्या लगता है कि आने वाले वक्त में चिराग पासवान, एक युवा नेता वो भी हैं, तो उनको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान जी बराबर बिहार सरकार को आईना दिखाते रहे हैं। चिराग पासवान जी नीतीश कुमार जी की नाकामी को भी उजागर करते रहे हैं। यही बात चिराग पासवान जी का नीतीश कुमार जी को नागवार गुजर रहा है और उनको सस्ते में निपटाना चाह रहे हैं। चिराग पासवान जी एनडीए के सहयोगी हैं, लेकिन कोई नोटिस वहाँ नहीं ले रहा है। एनडीए के घर में ही घर के चिराग से आग लग जाएगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी।
वाले को हीरो कहते हैं और हजार जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. Lockdown के समय, lockdown के बाद,